बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अनवान लोहे की दीवार। इनके बदन, खाल, बाल, गर्ज, हर चीज़ बिल्कुल सही सलामत थी, यानी जैसे सोते वक्त थे बिल्कुल वैसे ही थे। किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकिया नहीं हुई थी। वो आपस में कहने लगे, क्यों भाई, भला हम कितनी देर तक सोते रहे हैं? एक ने जवाब दिया, एक दिन या इससे भी कम। ये बात उसने इसलिए कही थी कि वो सुबह के वक्त सोए थे और जब जागे तो शाम का वक्त था, इसलिए उन्होंने यही ख्याल किया कि वो एक दिन या इससे कम सोए हैं। फिर एक ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी, इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह को है। अब उन्हें शदीद भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा बाजार से खाना मंगवाना चाहिए। पैसे उनके पास थे, उनमें से कुछ वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर चुके थे, कुछ उनके पास बाकी थे। एक ने कहा, हम में से कोई पैसे लेकर बाजार चला जाए और खाने की कोई पाकिज़ा और उम्दा चीज़ ले आए। वो जाते हुए और आते हुए इस बात का ख्याल रखे कि कहीं लोगों की नज़र उस पर ना पड़ जाए। सौदा खरीदते वक्त भी होशियारी से काम ले, किसी की नज़रों में ना आए। अगर उन्हें हमारे बारे में मालूम हो गया तो हमारी खैर नहीं। दकियानूस के आदमी अभी तक हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। चुनाचा उनमें से एक गार से बाहर निकला, उसे सारा नक्शा ही बदला नजर आया। अब उसे क्या मालूम था कि वो 309 साल तक सोते रहे हैं। उसने देखा कोई चीज़ अपने पहले हाल पर नहीं थी। शहर में कोई भी उसे जाना पहचाना नजर न आया। ये हैरान था, परेशान था और डरे डरे अंदाज में आगे बढ़ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था, सोच रहा था, कल शाम तो हम इस शहर को छोड़कर गए हैं, फिर ये अचानक क्या हो गया है? जब ज़्यादा परेशान हुआ तो उसने अपने दिल में फैसला किया, मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर अपने साथियों के पास पहुंच जाना चाहिए। आखिर वो एक दुकान पर पहुंचा, दुकानदार को पैसे दिए और खाने पीने का सामान तलब किया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरतज़दा रह गया। उसने वो सिक्का साथ वाले दुकानदार को दिखाया और बोला, भाई ज़रा देखना ये सिक्का किस ज़माने का है। उसने दूसरे को दिया, इस तरह सिक्का कई हाथों में घूम दिया। कई आदमी वहाँ जमा हो गए। आखिर उन्होंने उससे पूछा, तुम ये सिक्का कहाँ से लाए हो, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? जवाब में उसने कहा, मैं तो इसी शहर का रहने वाला हूँ, कल शाम ही तो मैं यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो सब उसके बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ये तो कोई पागल है, इसे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो। आखिर उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। वहाँ उससे सवालात हुए, उसने तमाम हाल कह सुनाया। बादशाह और सब लोग उसकी कहानी सुनकर हैरतज़दा रह गए। आखिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हमें अपने साथियों के पास ले चलो, वो कार हमें भी दिखाओ। चुनाचा सब लोग उसके साथ कार की तरफ रवाना हुए। उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की बादशाहत ख़त्म हुए 3 सदियां बीत चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। बहरहाल इन नौजवानों ने अपनी बकिया ज़िंदगी इसी गार में गुजारी और वहीं वफात पाई। बाद में लोगों ने उनके एजाज़ के तौर पर पहाड़ की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर की थी। एक रिवायत ये भी है कि जब शहर जाने वाला पहला नौजवान लोगों को लेकर गार के करीब पहुंचा तो उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं जाकर उन्हें खबर कर दूं। अब ये उनसे अलग होकर गार में दाखिल हो गया। साथ ही अल्लाह ताला ने उन पर फिर नींद तारी कर दी। बादशाह और उसके साथी उसे तलाश करते रह गए, ना वो मिला और ना ही वो गार उन्हें नज़र आया। अल्लाह ताला ने उनकी नज़रों से गार को और उन सब को छुपा दिया। उनके बारे में लोग ख्याल जाहिर करते रहे कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, या वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। बहरहाल इनकी गिनती का सही इल्म अल्लाह ही को है। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, उनके बारे में ज़्यादा बहस ना करें और ना उनके बारे किसी से दरियाफ्त करें, क्योंकि उनके बारे में लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं, कोई सही दलील उनके पास नहीं। मुशरिकीन का दूसरा सवाल था, ज़ुल्कनैन कौन था? ज़ुल्कनैन के बारे तफसीलात यूँ मिलती है, ज़ुल्कनैन एक नेक खुदा रसीदा और ज़बरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी महमात सर की। पहली महम वो उस मकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज ग्रूप होता है। यहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहें तो इस कौम को सजा दें, चाहें तो उनके साथ नेक सलूक करें।
ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि जो शख्स ज़ालिम है हमें उसे सज़ा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सज़ा देंगे, अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरे महम में वो उस मकाम तक पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी महम में वो दो घाटियों के दरमियान पहुँचे। यहाँ के लोग उनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के ज़रिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दें। ज़ुल्क़रनैन ने लोहे की चादरें मंगवाईं, फिर उनसे एक दीवार बना दी, उसमें तांबा पिघलाकर डाला गया। इस काम के होने पर ज़ुल्क़रनैन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। क़यामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ज़ुल्क़रनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं। ज़ुल्क़रनैन के मायने दो सिमतों के हैं। ज़ुल्क़रनैन दुनिया के दो किनारों तक पहुँचे थे, इसलिए उन्हें ज़ुल्क़रनैन कहा गया। बाद में कर्ण के मायने सींग के हैं, यानी दो सिंगों वाले। उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आज़म कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था जबकि ये मुस्लिम और वली अल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिजर अलैहिस्सलाम उनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत इसी के इल्म में है, इसके सिवा उसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतालिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। लगे हाथों यहाँ एक वाकया भी सुन लें। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पता किया तो हिंदू मजहब का एक आलिम मुसलमान आलिमों से मुनाजरा करने के लिए आया। उसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। उस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। قدرك